गाइस, आज के न्यू व्लॉग में मैं जा रहा हूँ बादशाह मस्जिद। मेरा जो पहला व्लॉग था उसमें मैंने मैंने पाकिस्तान दिखाया था, और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा बादशाह मस्जिद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Once we chase the leading us, and love is all we'll ever trust. फ्रेंड्स, मैं अब आ गया हूँ अंदर, एंट्रेंस कर लिया वहाँ से। अभी मैं आ गया हूँ, और मेरे वहाँ पे देखो मीनार पाकिस्तान है। अब मैं सीधा जा रहा हूँ सीधा बादशाह मस्जिद, वो सामने। अभी आपको मैं उधर ही जाके दिखाता हूँ। तो इधर आ गया हूँ, वो भी ट्रैक पे चल रहा हूँ। सामने देखो बादशाह मस्जिद है, इधर ये कंटीन है। ले आऊँ टेंशन नहीं है, बिजरा ला दूंगा इसे। तो अभी हम जा रहे हैं, एंट्रेंस हो गया अंदर वहाँ पे। अभी मैं आपको वापसी पे दिखाता हूँ, तो मैं अंदर बादशाह में घुस रहा हूँ। तो फिर आप अंदर ये इधर शूज रखवाते हैं, फिर अंदर चलते हैं। अंदर जाते हैं, मस्जिद में एंटर हो गया हूँ, आगे से दिखा देता हूँ आपको। तो अभी हम ये देख लो सामने, और ये वजू खाना, जिसने वजू करना हो आगे कर ले। अंदर आ गए अब, ये देख लो वो चल रहा है सामने, फोटोग्राफी हो रही है। मेरा पाकिस्तान है। अभी ये मंदिर है, मस्जिद तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है। विजिट करके अच्छा लगा, आप भी विजिट करो। ओ मैं तो चलते चलते ही थक गया हूँ यार। मेरे व्लॉग को जल्दी से लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। कुछ भी नहीं करते हो अब आप लोग, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे शॉर्ट्स देखा करो जाके, स्केटिंग के आजकल मैं बना रहा हूँ बहुत अच्छी अच्छी। नीचे कमेंट भी लाजमी किया करो, ताकि भाई को तसल्ली मिला करे। यार मैं चली जा रहा हूँ, बस मेन यही व्यू आ रहा है। इसमें मैं सोच रहा हूँ और भी न्यू एडिट कर दूँ। लो मैं अंदर तो आ गया हूँ, चलते हैं। मस्जिद में एंटर हो गया मैं। अभी नमाज वगैरह पढ़ ली हमने, नमाज मेरे फ्रेंड ने भी पढ़ ली, उसने नमाज। तो अभी हम बाहर जाने लगे हैं, आपको मेन मेन दिखा दिया भाई, यही आया। और मैं आपको भी अभी मज़ार भी दिखाता हूँ। नमाज जा रहे हैं, नमाज वगैरह पढ़ ली। आ जा, अब हम बाहर जा रहे हैं, अब बाहर जा के मैं आपको दिखाता हूँ बाकी। अभी तो शर्म कर लेंगे। जूतियाँ ले, मैं जूतियाँ ले लेते हैं। ऐ खतरनाक, ये देखो जरा, खारो मैं खरीद लाऊंगा। क्यों नहीं वाकई में ले आएगा ना, ड्रामा करने का। ओ यार मुझे मिलेगी, मैं ले आऊंगा, आ जा। मिलेगी? अच्छा तुम मेरे स्पेशल ले आया तुम, देखता हूँ। तो फाइनली अंदर पहुंच गए हैं। टिकट पता है कितनी है? 50 रुपये, 100 रुपये लगा। तो ये जो सीढ़ियाँ ना, यहाँ से हम वापस निकलेंगे बाहर। अब मैं हम यहाँ से जा रहे हैं ट्रैक पे। माशाल्लाह रोड बहुत अच्छा है, इधर स्केटिंग की जाए ना, इधर स्केटिंग की जाए बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन कर नहीं सकते हैं, पाबंदी है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। कम जो मतलब वो है ना, जिसका झगड़ा हो ज़्यादा, फिर वो चल सकता है, बस यही बनती है। बंद किया हुआ है यार, अभी इधर ना कंस्ट्रक्शन चल रही है अंदर, इस वजह से बंद है, वरना ये पहले तो खुला ही होता था। अभी ये क्या है, अंदर जाएगा? नहीं, ये मेरे ख्याल से नहीं, सुरंग है।
न्यू सुरंग। ओह वाओ न्यू सुरंग। अब आगे चलते हैं, ये आ गए हम इधर, ये वो सामने वो वहाँ पे जाओगे तो वॉशरूम है, यहाँ पे जाओगे तो एक मस्जिद आती है, वो मैं दिखा देता हूँ अभी, सबर कर जाओ। आज यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं नहाने का दिल कर रहा है यार। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरा ना व्लॉग लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो, मेरे स्केटिंग के शॉर्ट्स देखा करो यार। इधर हॉर्स राइडिंग भी होती है, वो तो नहीं हम करने वाले हैं, बस मैं आपको विजिट भी करवाऊँगा और मैं चला जाऊँगा, आप घूमते रहना आके। ये दीवाने आम है, मतलब लोकेशन बताई है उन्होंने, दो दो कच्चर। चलो उधर आप अंदर चलते हैं। हेलो, अंदर भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को भाई साहब। हाँ तो अंदर का विजिट करने लगे हैं, लाया है। यू आर बीइंग कैमरा, कैमरे की आंख देख रही है भाई साहब। ऊपर जा रहे हैं, अभी हमारे साथ एक गाइडर भी हैं, वो हमें बताएंगे साथ साथ। आज वो आ रहे हैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह का जिस टाइम तख्त यहाँ पे लगा होता था, किसी की जरूरत नहीं थी को सामने से आएगा, ये दरमियान में रास्ते बने हुए, आवाम इधर से आती थी, अगर कोई सामने से आता था उसे गुस्ताखी समझा जाता था, बकायदा उसको सजा दी जाती थी। ये कमरा और साथ वाला कमरा सिपाहियों का था, यहाँ पे सिपाही तैनात होते थे मेजे पकड़ के, मेजे समझ गया ना। जी जी हाँ, आगे चलते हैं, अब और गाइड करते हैं इनसे। महाराजा रणजीत सिंह का बेटा था खड़क सिंह, ये सामने खड़क सिंह की हवेली है जी। खड़क सिंह ने अपनी हवेली के दरवाजे और खिड़कियों के जो उनसे नट थे ना पेच, वो लूज रखे हुए थे ढीले, हल्की सी हवा चलती थी, खिड़कियां खड़खर करती थी, खड़क सिंह भी खड़क जाता था, इसलिए मुहावरा बना हुआ है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। सुना हुआ मुहावरा जी, ये वो वाले खड़क सिंह की हवेली मुगलिया दौर के, अब के दौर में पंजाब आर्कियोलॉजी सारे कदीमा का ऑफिस है ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आ गया हुआ है। इस तरफ आगे ये सामने फाउंटेन देख रहे हैं, फाउंटेन जी जी, फाउंटेन लग रहा है कि कुछ और लग रहा है, फाउंटेन ही लग रहा है। अब इसको गौर से देखें, ये शतरंज का मॉडल बना हुआ है और ये मोड़े बनाए हुए हैं जी जी। शतरंज गेम देखी है आपने जी, आम बंदे को ऐसे लगता है कि जैसे फाउंटेन है जी, लेकिन मुगलिया दौर में जंगीर बादशाह ये मोरों के साथ सिपाही खड़े करके सिपाहियों के साथ शतरंज खेलते थे जी, क्योंकि ये व्हाइट मार्बल है, संगे मरमर का पत्थर, ये मूव नहीं करता था, सिपाही मूव करते थे, इसलिए वो सिपाहियों के साथ शतरंज खेलते थे, समझ लग रही जी। इस कमरे को कहते हैं दौलत खाना खासो आम, जो कैदी पकड़े जाते थे उनको जुर्माने में जो सिक्के पड़ते थे सोने चांदी के, वो इसके अंदर जमा होते थे, इसलिए इसको कहते हैं दौलत खाना खासो आम। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह की दूसरी बीवी थी जोधा, वो हिंदू थी, वो करती थी दिन को सूरज की पूजा, दिन को सूरज निकलता था, रात को सूरज नहीं निकलता था, कि निकलता था नहीं, उसकी ख्वाहिश थी मैंने रात को इबादत करनी होती है, एक सूरज होना चाहिए। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी करके एक सूरज देवी की मूर्ति बनाई थी, ऊपर ये वाटर गोल पेंटिंग है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है, दिन को उस सूरज की पूजा, रात को इस सूरज की पूजा। मुगलिया दौर में ना मशाले जलती थी, मशाल कहते हैं लकड़ी वाली आग को, आग की रोशनी के साथ ना सोना चमकता था जी, इस वजह से उन्होंने वाटर गोल पेंटिंग की, इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, दिन को उस सूरज की पूजा, रात को इस सूरज की पूजा, समझ लग रही है सर जी। हाँ जी सर, पंजाबी में मुहावरा है होली बोलो कंधा दे की कानून धरे, सुना है मुहावरा जी? सुना है, वो मुहावरा इधर से मशहूर हुआ है, ये देखो खोखली दीवार है जी, इसके पीछे ना गैप छोड़ा हुआ है खाली जगह, ये चाक की दीवार बनाई हुई है। मुगलिया दौर में जब दरबार लगा होता था, कोई सिपाही चुगली लगाता था, आवाज क्रॉसिंग होती थी, बकायदा उसको सजा दी जाती थी, सजा खाना नीचे मैं दिखा देता हूँ। तो हमने ऊपर का विजिट कर लिया, गाइड के साथ अब नीचे चलते हैं, आ जा नीचे चलते हैं।
इसको यहाँ पे खड़ा करते थे, कपड़ा उतार के बादशाह को शक्ल दिखाते थे। बादशाह सजाएं सुनाता था, मिसाल के तौर पे जैसे बिच्छू छोड़ दिए, काल कोठरी में कैद कर दिया। काल कोठरी इतनी कुथी के बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। इसके अलावा सांप और न्योले की होती है दुश्मनी आपस में, कैदी के जिस्म पे सांप का गोश्त मल के ऊपर न्योले छोड़ देते थे, वो उनको काट काट के मार देते थे। इस तरह की सजाएं थी। उसके बाद ये ब्लैक वाले गार्ड देख रहे आप जी, उनके साथ पर्दे लटका के इसको मिलिट्री हॉस्पिटल में तब्दील किया था अंग्रेजों ने। मुगलिया दौर में ये दीवाने आम था, अंग्रेजों के दौर में मिलिट्री हॉस्पिटल बन गया था। इस तरफ आए, ये सामने मोती मस्जिद, ये सामने मोती मस्जिद जी, इसको कहते हैं रेड स्टोन। रेड स्टोन ये इंडिया से आया था, जयपुर राजस्थान से, ऊँटों और हाथियों के जरिए। ये पत्थर पाकिस्तान में नहीं पाए जाते थे। ये वो पत्थर है जिससे कसाई छुड़िया चाकू तेज करते हैं। इसको कहते हैं लाल पत्थर। और ये नीचे ना मलिका के सर के ताज का नक्शा बना हुआ, वो दूर से देखेंगे जी। इस तरह की चीज़ें होती है जो बच्चों को ना पता नहीं चलती। बादशाह मस्जिद का मीनार देख रहे हैं आप जी? बादशाह मस्जिद का मीनार ऊंचा है मीनार, मीनार ही ऊंचा ना? हाँ जी, मीनार ही ऊंचा। ये पिलर के अंदर से देखिए पूरा मीनार नजर आ रहा है जी, आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऊंचा है लेकिन रियल में वो मीनार ऊंचा है जी। तो सही है, वो सामने से देख रहा है ना, मीनार ऊंचा से नजर आ रहा है। विजिट तो कर लिया, बागे दिखाता हूँ आपको, ठीक है वैसे जी। ओ तो मैंने अब आपको वो दीवाने आम गाइड करवा दिया, अभी मैं आगे चलता हूँ। सेफ गाँव मुझे भी नहीं पता, मैं तो आती रहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता था, आज मुझे खुद पता चल गया दीवाने आम कहते हैं किसे। ये मोती मस्जिद, हाँ मोती मस्जिद कहते हैं यार उसे, मैं तो खुद ही भूला था। इधर ना रूल्स भी होते हैं, रूल्स रेगुलेशन भी हैं कि कहीं पे आप कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे नहीं कर सकते हैं, कहीं पे चार्जेस लेते हैं कैमरे यूज़ करने के, तो पीछे भी पे किए हैं। अभी आगे चलता हूँ, अभी मैं आपको मोती मस्जिद लेके चलता हूँ, उधर ही जा रही हूँ मैं। मोती, हाँ मोती मस्जिद अब आ गई है। ये देखो अभी जो हम हैं ना, हम बिल्कुल इस यहाँ पे हैं, इस लोकेशन में, ये मोती मस्जिद है। देखो मोती मस्जिद, इधर भी शूज उतारने पड़ेंगे। अलाव नहीं है मोती मस्जिद से, तो बाहर आ गए, उन्होंने कहा अंदर कैमरा अलाव नहीं है। तो मैंने कहा चलो अंदर जाने का, अब क्या करना है अंदर जाके। तो मैं अब आपको, ये इधर अंदर जाएंगे तो वजू की जगह है, अभी फिलहाल बंद है। वो आगे कंटीन आ रही है, नहीं दिया उसने, आ जा आगे। अभी तो सुपर खा रहे हैं, अभी इन्होंने हमारे साथ फिल्म चलाने लग देना कि हमको आप हमारे साथ ट्रैक सूट में आप वीडियो बनवाएं, देखना अगर आप। ये क्या है अंदर नहीं जान देंगे? ये बोर्ड पड़ेगा अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर ऑफिस है। तो अपने अम्मी मुंह भी फ्रेश वगैरह किया, धोया। वाह गर्मी तो बड़ी तेज है, चला यार जल्दी, गर्मी लगती है, कड़क की खिड़कियां। ये तो इसको क्या था, इसका क्या नाम था, दीवाने आम। अभी यहाँ से फ्रेंड से आगे होके चलता हूँ मैं। पुराने जमाने का, चलो चलो यार आ जा यार। हाँ किस्मत से गर्म नहीं यार, तुम से बच गया। ये कोई मंदिर है इनका, म्यूजियम भी है अंदर, वो दिखाया मैंने। अब चलो जरा, तो अब फाइनली गाइस अब व्लॉग का एंड करते हैं, हम बाहर जाने लगे हैं, व्लॉग का एंड करते हैं। तो आपने सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, मैं 3 से 4 दफ़ा आपको कह दिया, चैनल सब्सक्राइब करो मेरा, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे जाके शॉर्ट्स देखो ज़रा, स्केटिंग के न्यू अपलोड किए हैं,
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।